सुनवाई है एक मामले की, जिसमें कि हुआ यह है कि फायरिंग की गई है व्यक्ति पे मारने की नियत से। अब इसमें बड़े सारे आर्गुमेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंग केस है इसमें। आप देखिएगा कि 9 लोगों की उसमें जमानत हो गई है, ये एक आर्गुमेंट है उनका कि साहब इसको भी दी जानी चाहिए। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि जो गवाह हैं, चार एक गवाह हुए हैं, उसमें से 3 ने कहा है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किनका? जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है। कोर्ट मगर नहीं मानता। क्या आधार है, क्या मामला है, आइए देखिए। Both bail application, Lordship. The earlier bail application has been dismissed and withdrawn with the liberty. With the liberty, Lordship, to renew after the property seizure witness. Lordship, 4 witness has been examined. Out of which, Lordship, all the witness has stated in their cross-examination कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई थी। अच्छा, Lordship, on page number 19, paragraph 17, ये कहना सही है कि पुलिस सेवा के दौरान पुलिस की अभिरक्षा में किसी बंदियों के साथ किसी प्रकार की घटना होने के संबंध में होने पर आरक्षक या आरक्षकों की विभागीय कार्रवाई होती है। यह कहना सही है कि मेरे व मेरे आरक्षक साथियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। यह कहना सही है कि बंदी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायर की थी। स्वतः कहा राजा ने की। PW2 आप क्या हैं? लॉर्डशिप, आप ही तो राजा हैं। लॉर्डशिप, मैं ही राजा हूँ। लॉर्डशिप, इसमें टोटल 10 अक्यूज थी लॉर्डशिप, आउट ऑफ विच 9 अक्यूज की ऑलरेडी बेल हो चुकी है। ठीक है लॉर्डशिप, इसमें बाकी के 3 विटनेसेस ने भी यही कहा है, इसमें उन्होंने नाम भी नहीं लिया। चलिए, तो एक ने तो नाम लिया है ना लॉर्डशिप। इसमें आप क्या उनको छुड़ा के भागने के लिए आए थे क्या? लॉर्डशिप, इसमें एक क्या हुआ क्या था सर? ये एक्चुअली में बादल करके था, तो ये जो कंप्लेनेंट है उनके ऊपर केस चल रहा था, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से आए और इसके ऊपर कट्टे से फायर किया गया। स्पॉट पे ही लोगों ने पकड़ लिया प्रेजेंट एप्लीकेंट को कट्टे के साथ। जी, क्या बचता है लॉर्डशिप? इसमें एक बार FIR देख लें लॉर्डशिप। हाँ, बढ़ाइए FIR पढ़िए। लॉर्डशिप, आई विल रीड द रेलेवेंट पोर्शन प्लीज। आज मैं और मेरे दोनों साथी आरोपी मुकेश श्रीपाल और अन्नूगिरी गोस्वामी तीनों पाटन जेल में कोर्ट पेशी करने न्यायालय के लिए पुलिस वालों की बोलेरो गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में सतमन गिरी, विवेक गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों ने 2 मोटरसाइकिल में पीछा करते हुए हमारे पीछे कोर्ट तरफ जा रहे थे तथा कोर्ट परिसर के गेट के पास पहुंचने पर गाड़ी से उतरकर पैदल कोर्ट जा रहे थे। तो गेट के पास पहुंचने पर परिसर में पहले से खड़े हुए उमेश गिरी, जागे गिरी, अज्जू गिरी, उत्तम गिरी, रवि गिरी, गोस्वामी मिले, जो सतमन गिरी और विवेक गिरी व 2 अन्य लोगों को इशारा कर रहे थे कि अन्नू गिरी मेरा भाई है और मेरे को मुकेश को मारने का बोले। तभी सतमन गिरी ने अपने हाथ में लिए कट्टे से जान से मारने की नियत से मेरे सिर पर कट्टे से फायर किया, जिससे मेरे सर के पीछे वाले हिस्से पे लगी। लॉर्डशिप, इसमें प्रीवियस NMIT एक बादल गिरी गोस्वामी, एक 8 साल के बच्चे का, इन्होंने कंप्लेनेंट ने, प्रेजेंट विक्टिम ने, एक जूट सैक में बंद करके इनको मारा। उसके रिवेंज में लॉर्डशिप, ये पूरे परिवार के 8 लोग थे, बाकी 2 अन्य लोग जो इनके साथ थे, घटना स्थल से जब ये फरार हो गए उसकी वजह से जो वहां पकड़े गए उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। लॉर्डशिप, इसमें प्रॉपर्टी सीजर मेमो में लॉर्डशिप हमारे हस्ताक्षर ही नहीं है। राजा यादव का लॉर्डशिप प्रॉपर्टी सीजर मेमो में ना राजा यादव के हस्ताक्षर है लॉर्डशिप, ना ही सील इसमें है लॉर्डशिप। दादन, 3 साल 5 महीने की कस्टडी ऑलरेडी हो चुकी है लॉर्डशिप, कोई प्रीवियस नहीं। कितने गवाह बचे हैं? अभी काफी गवाह बचे हैं लॉर्डशिप। कितने बचे? काफी, मतलब कितने बचे? करीब इसमें 9 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें से कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। अरे भाई, 9 गवाह में से कितने गवाह हो गए? अभी 4 हुए लॉर्डशिप। हाँ, तो 5 करवा देते हैं 3 महीने के अंदर लॉर्डशिप। मेरा निवेदन है लॉर्डशिप कि कम से कम ड्यूरिंग ट्रायल हमें नहीं। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। तौसीफ अहमद। श्री तौसीफ अहमद अंसारी, कॉन्सिल फॉर दी एप्लीकेंट।
after arguing at length and unable to convince this court is for withdrawal of the fourth bail application. Full stop. At this stage, he submits that there are overall 9 witnesses. 4 have already been examined. Trial could be directed to expedite the trial. Next paragraph. Accordingly, learned additional session judge partner is directed to expedite the trial and without affording any undue adjournment to the prosecution witnesses, let their evidence be completed and trial and an attempt be made to complete the trial within a period of 3 months from the date of communication of this order. हाँ विटनेस तो अगस्त के महीने में हुए थे, उसके बाद की क्या स्थिति है? लॉर्डशिप अभी तक नहीं हुए, ये लास्ट विटनेस अभी ही हुआ है। If need arises, sessions court will not be shy of using all coercive measures to seek attendance of the witnesses. लॉर्डशिप में लिबर्टी मिल जाए, लॉर्डशिप अगर ट्रायल कंफर्म नहीं हो तो लिबर्टी क्या, फिर गवाह पाने ही नहीं देंगे? नो लॉर्डशिप, हमने हमेशा 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, चलिए। नंबर 10 अरुण कुमार।